वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में मॉडल टाउन पहुंची, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कई। पार्लियामेंट की मजबूती लाए गदजी कम करण जो अज़म। मुलाकात में छवी ही आइनी तरमीम मई मुल्की सियासी सूरत हाल के ख्याल की रेवट कई वही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चाह है तो छवी ही आइनी तरमीम की मंजूरी जो क्रेडिट इतिहादी जमायतुन ना वने तो पहराव। अवामी खिदमत तोते नाहूँ हटिया, हाँ भी न हटंदी। मुल्की मेश मुआशी सूरत हाल बेहतर थी रही है, महंगाई में वाजे घटताई नजर अचे पी। बिलावल भुट्टो जरदारी छवी ही आइनी तरमीम के तारीखी करार डींदे है तो जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती लाए गडजी हलंदी। गैर जमहूरी ताकतुन जो रस्तो रोकण लाए छवी ही आइनी तरमीम फायदेमंद साबित थी। पीपुल्स पार्टी औरतुन की खुदमुख्तियारी से यकीन रखे थी। यो ऐसी खुशी थी तो मर्दन से गड औरतू भी पोलो खेली रही है। सारी दुनिया में मानू सुठे मकसद के लिए इतने अच्छी रांद खेली रहा है। पीपुल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जी लाहौर में पोलो टूर्नामेंट के फाइनल में खास मेहमान तौर शिरकत करने मीडिया से गाल बोल। इमरान खान की गिरफ्तारी पे इसराइल की चीखें निकल रही हैं तो इसका मकसद क्या है? ये उनका पौधा है, ये उनका बेबी है, ये उनकी प्रोडक्ट है, ये उनका पैदा किया हुआ फितना है पाकिस्तान में। लॉबियस्ट काम कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है। खैर से ये सारे ताने बाने जो है वो ये मिलने लग रहे हैं कि इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। इस तमाम रिलीफों के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो उसकी एक्स बेगम है, वो उसका एक्स साला जैक गोल्डस्मिथ है। पीटीआई बानी की जेल में मुलाकातों से पाबंदी भी खत्म थी वही है। ऐ लगे तो पीटीआई बानी के रिलीफ दिनों पे वने इन रिलीफ के पुछा संदस अगूड़ी घरवारी ऐ अगूड़े साले जैक गोल्डस्मिथ जो हथ है। पीटीआई बानी लाए इजरायली लॉबी संजीदगी सा कम कर रही है। पीटीआई बानी के रिलीफ जारण लाए गोल्डस्मिथ लॉबी अमेरिका में मसरूफ है। डॉक्टर इसरार खान जो गाली दुरुस्त साबित हुआ है तो पीटीआई बानी के इसराइल सा असा जे मथा मढ़ो। डॉक्टर इसरार ई मरहूम हकीम सईद अज का केतरा साल अग बुधायो हो तो पीटीआई बानी यहूदी एजेंडा है। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जिल इनाम मेमण जो कराची में जाम सादिक पुल भरसा येलो लाइन बीआरटी के तरक्याती कमन जो मुआइनो करने मीडिया से गालू संदस चवड़ा है। कराची वासन लाए वर्ल्ड बैंक के सरकार सा 100 अरब रुपयन की लागत सा येलो लाइन बीआरटी मनसूबो शुरू कर वो है। येलो लाइन ट्रेक लाए 21 किलोमीटर जो ट्रेक हों जाम सादिक पुल से सा गड नई पुल भी ठाही पी वे। असा चाहूँ था तो मनसूबो 18 महीनों का अग मुकम्मल थी वने। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप तहत बसू हलाय वेंदू। कोशिश कंदी तो वर्ल्ड बैंक से गलए ईवी बसू हलाय वन। बालारल कश्मीर से भारतीय फौज गैर कानूनी कब्जे खिलाफ सारी दुनिया में रहंदड़ कश्मीरी अज कारो डी मलाय रहा है। भारत के गैर कानूनी कब्जे खिलाफ जम्मू कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कन में मार्च रैली कढ़ी सेमिनार मुनद किया पाया वन। 27 अक्टूबर 1947 से भारत पैं फौज कश्मीर में लाहे गैर कानूनी कब्जो किया हो। कश्मीरी भारत के वाजे पैगाम दे रहा है तो हु कदें भी मादरे वतन से गैर कानूनी कब्जे के कबूल न कंदा। ही डी गडियल कौम के ठहराव से अमलदाराम की याद जारी है। कश्मीर से ऐके के इजहार लाए सिंध समेत सजे मुल्क में रैलियों कढ़ी पी वन। इस्लामाबाद में शराय दस्तूर से रैली कढ़ी वही। रैली में वफाकी वजीर अमीर मकाम समेत शेर नई शागिर्दन की वड़े अंग में शिरकत। कश्मीर की आज़ादी के हक ऐ भारत के गैर कानूनी कब्जे खिलाफ नारेबाजी सिंध के मुख्तलिफ शहर कराची मलीर हैदराबाद लाड़काड़ो खैरपुर नवाबशाह जैकबाबाद शिकारपुर घोटकी टंदोर लायार मिठी उमरकोट कश्मोर बदीन कंबर दादू मछियारी में रैलियों कढ़ी वही। नसीराबाद रतोदेरो डोकरी नौदेरो सामारो डेपलो पिथोरो उबावड़ो सन समेत बन शहर में रैलियों कढ़ी वही। कश्मीर के सिफारती खिलाफी सियासी हिमायत जारी रखने जो अज़म।
जाबराड़ा कदम कश्मीर की हकीकी ख्वाहिशन के दबाए नथा सगन 77 साल अग अड़ो के ढीह से भारत कश्मीर से कब्जो किया। भारतीय काबिज फौज कश्मीर से जुल्म कर रही है। कश्मीरी आवाम की कुर्बानियों जया नियो। पाकिस्तान कश्मीर के अखलाकी सिफारती सियासी हिमायत जारी रख। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो कश्मीर के कारे ढीह ते पेगा। मजलूम कश्मीरी अवाम लाए असांजी हिमायत हमेशा रहंदी। वालारल कश्मीर में जारी इंसानी हकन जी पामाली जी सख्त लफ्जन में मजम्मत करया थो। पाकिस्तान पंजे कश्मीरी भाइरन भेनरन सा मजबूती सा गर बीठो है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कश्मीर के कारे दिहाड़े ते पेगाम संदस चवड़ा है। खिते में इंसाफ अमुन आजादी लाए कश्मीर मसले जो हल अंटर है। पीपल्स पार्टी लाए कश्मीर काज हमेशा बुनियादी अहमियत जो मामलो रो है। कायद अवाम शहीद भुट्टो जो कश्मीर लाए बेमिसाल सोच अज भी मिशले रहा है। कश्मीरी अवाम भारतीय जुल्मन जो जमी मुकाबलो कर रो है। काबिज भारतीय फौज वालारल कश्मीर में इंसानी हकन की बदतरीन भनकड़ियों में मुलविस है। भारत कश्मीर जहा समूरा हक खसे छड़ा है। कश्मीरी पैंने घर में भी महफूज ना है। तरीके आज़ादी कश्मीरी पाकिस्तान की डिफेंस लाइन है। गडल कॉमन आलमी बिरादरी के कश्मीर के हक दियारण लाए किरदार अदा करण घुर्जे। कश्मीरी अगवार मिशाल मलिक जो इस्लामाबाद में रैली के खिताब। ईरान पारा इसराइल जो हमला नाकाम बनाने की दावा। चार ईरानी फौजी शहीद थियण की तस्दीक। ईरानी फौजी अमलदारन जो चवण है तो इसराइल पहंजे हमलन के वधाए पेश कयो। इसराइली जहाज ईरानी हवाई हदन में दाखिली नाहन थिया। एयर डिफेंस कामयाब इसराइली हमलन के नाकाम बनायो। इसराइली हमलन सबब कुछ हंधन से मामूली नुकसान पहुंचो। ईरान से हमलन जो भरपूर जवाब दिनों वो। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ इसराइल के इंतकामी कार्रवाई का खबरदार कर छो। ईरान के परदेही वजीर अब्बास अरकची फौजी मरकजन से इसराइली हमलन के गडल कौमन के चार्टर आलमी कानून की भनकड़ी करार दे छो। इसराइली फोर्सेस जा 48 कलाकन में गजा ते 7 हमला 77 फलस्तीनी शहीद 288 जख्मी। गजा के इलाके बैतुल हया में इसराइली फौजी रिहायशी इमारतन ते हमलन में 45 फलस्तीनी शहीद थी वया। केतराई जख्मी इसराइली फौज हमलन में शहीद फलस्तीनन जो अंग 42924 थी वो। 1,833 जख्मी। दक्षण लबनान में इसराइली फिजाई हमला एक ही कुटुंब के 5 भातियों समेत 19 जणा शहीद। अंग 2,653 थी वो। हिजबुल्ला जा इसराइल ते जवाबी हमला 100 का वधिक रॉकेट मिजाइल हमला। इसराइली फौजी हथफन एक शहरी इलाके के निशानो बनाए वो। नॉन फाइलर गाड़ियों मिल्कियतों न खरीद कर सघंदा। नॉन फाइलर बाबत कानूनी सुधारन की जरूरत है। मुआशी बेहतरी लाए दुखिया फैसला करना पवंदा। पाकिस्तान में महंगाई की शर पॉलिसी रेट में घटताई आई है। असा टैक्स टू जीडीपी के 9% खा 13% ताई आणींदी। नाणे वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब जी वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस संदस चवड़ा है असाजे कदम सबब मुल्क मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम दा वधी रो है। समूरी रेटिंग एजेंसीज चई रही है तो पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी दग ते हली रो है। IMF सा तामीरी गाल बोल थी है। कोशिश होंगी तो IMF जो प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हुए। आलमी बैंक पाकिस्तान के कर्ज न पर ग्रांट दी। छठे में 250 हाई प्रोफाइल कैदियों लाए जेल की अलावत जो कम शुरू थी वो। मनसूबे लाए मुख्तिस 50,60,00,000 रुपयन मां 12,65,00,000 रुपया खर्च किया वया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट जेल खाते जो IG जेल्स के खाते रहल रकम 37,95,00,000 रुपया दियण की दरख्वास्त। जेल खाते मूजिब मुख्तिस रकम की पहली त्रिमाही
किस्त जारी कई वही हुई जेका खर्च कई वही आहे रहल बजट फराहम कई वने त जिया मंसूबो वक्त सिर मुकम्मल थी सके। जोंगल भरसा गोठ शेर खान पहोड़ में अगवा बाद